आप देख सकते हैं हमारे पास ये ट्यूबलाइट है जो है 22 वोल्ट की, ठीक है। और इस 22 वोल्ट की ट्यूबलाइट को क्या हम इस 4 वोल्ट के सेल से जला सकते हैं बैटरी से, या फिर इस 12 वोल्ट की बैटरी से? देखो, पहले सबसे पहले आपको दिखा दूँ, ये सीधा बिजली से जल के, बिजली से चलती है, ठीक है। बिजली से जलाएंगे इसको, करंट सीधा डायरेक्ट करंट लगाएंगे इसमें, इलेक्ट्रिसिटी करंट लगे, क्योंकि 220 वोल्ट का करंट नॉर्मली इसमें आता है। तो देखो ये जल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या ये इससे जल जाएगा 12 वोल्ट की बैटरी से? चेक करते हो, इसको हम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इसमें लगाते हैं। तो पहले आपको बता दूं कि 12 वोल्ट में करंट हमें नहीं लगता बिल्कुल, तो इसमें करंट नहीं लगेगा। तो मैं इसे इस लगा के दिखाता हूँ, तो ये नहीं जल रहा, ठीक है। इसमें से लगाता हूँ, इसमें मैंने लगा दिया तो भी नहीं जल रहा, ठीक है। हम इसको जलाएंगे इसकी और इसकी मदद से। देखो कैसे जलेगा, समझा ध्यान से। ये जो है 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये है 12 वोल्ट की और वो है 220 वोल्ट, 230 नॉर्मली आता है। लेकिन जब इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे इससे, तो इसके अंदर का जो करंट आएगा, अंदाजे से आपके हिसाब से क्या लगेगा, 500 वोल्ट, 600, है ना, 1 लाख, 2 लाख, नहीं, 4 लाख वोल्ट का करंट इसके अंदर आएगा। अभी आपको चल जाएगा पता, कितने कितने वोल्ट का, 4 लाख, ठीक है। देखो तो इसको करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसको छिल के दिखा जाए, ठीक है। देखो नॉर्मली आपको दिखाता है 4 लाख वोल्टेज करंट कैसे होता है, आप देखो पहले चेक करें। देखो कुछ नहीं हो रहा, देखो इसमें से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। इसको जब टच करो तो क्या होगा, देखो देखो, ये 4 लाख वोल्ट है सर कान में। देखो फिर से दिखा रहा हूँ आपको, देखो इसको छूने की हिम्मत नहीं होगी, बस सोचो कि करंट इसमें आएगा, छूने में बहुत तेज करंट लगेगा, ठीक है। तो इससे हम जला के दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसकी वायर को इसमें जोड़ लेते हैं, ठीक है। और इसमें टेप लगा देता हूँ, कहीं दोनों आपस में टच हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसमें टेप भी लगा देते साथ में, ठीक है। हमने इसको जोड़ दिया, देखो अब इसको चला के दिखाएंगे। आपको क्या लगता है, 4 लाख वोल्टेज का करंट अगर फूक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हल्का सा सिर्फ ब्लिंक करेगा। देखो तो जल जाएगी, तो तालियां बजा देना हल्की सी। देखो जला के दिखाते हैं, और ये देखो जल गया, ठीक है। ये देखो सिर्फ ब्लिंक करेगा, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, बहुत ज्यादा वोल्टेज इसके अंदर आ रही है, तो इस तरह से ब्लिंक करेगा। और ये देखो ये आवाज कर रहा है बड़ी तेजी से, है ना। ये देखिए, यानी कि आपने देखा कि इस 22 वोल्ट के ट्यूबलाइट को हमने 4 वोल्ट की बैटरी से जला दिया, इस छोटे से जनरेटर की वजह से, ठीक है। आपने देखा इससे भी नहीं जल पाया, लेकिन छोटे से जनरेटर की वजह से और इस बैटरी की वजह से हमने इस ट्यूबलाइट को जला के दिखाते। फिर से आपको दिखाता हूँ एक बार करके, देखो उल्टा लग गया। ये देखिए किस तरह जल रहा है, इस तरह जल रहा है। देखो ऊपर देखो ट्यूबलाइट लगी है, देखो कैसे जल रही है। और यहाँ पे देखो ट्यूबलाइट लगी कैसे जल रही है, और यहाँ देखो कैसे जल रही है, ठीक है। वहां देखो ट्यूबलाइट कैसे जल रही है,